हाय गाइस, आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल तो अभी मैं एक सूट कर रही थी, इसलिए मैंने ये सब पहना हुआ है। अभी टाइम हो गया है 12:30, मैं जा रही हूँ आध्या को लेने, बट मैं ये सब कुछ लगा के नहीं जाने वाली हूँ। तो मैं यही उतार रही हूँ अपने रेगुलर वाले कपड़े, जो जाती पहन के वो जाऊँगी। वैसे कैसा लग रहा है मेरा लुक ज़रूर बताना, एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग कमेंट करेंगे तो कैसा लग रहा बताना। वैसे आप लोग ये हॉल वीडियो देख चुके होंगे, मुझे बताना आपको क्या अच्छा लगा। ये मेरा सूट, ये सूट मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। फ्रॉक सूट है पजामा के साथ में, मतलब पैंट के साथ में, और ये कुर्ती है और दुपट्टा है इसके साथ में। ये मैंने कर ली है नकली वाले लगा रखे, कैसे लगे नकली, अच्छा लग रहा ना, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। हे गाइस, और चीज़ ये दूसरे दिन मिल रही हूँ मैं आप लोगों को चौथे नवरात्रि पर, बिकॉज़ उस दिन मैं कुछ नहीं कर पाई, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। आगे बताऊँगी क्या हुआ था अचानक, ऐसा मेरे साथ होता रहता है अक्सर। तो मतलब कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि उम्र के साथ में सारी चीज़ें ना बदल ही जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उम्र के साथ में नहीं बदलती हैं। तो जैसे कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए वो नहीं बदलती हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि उम्र के बढ़ते बढ़ते वो सारी बीमारियां आ जाती हैं। लेकिन आजकल तो उम्र का भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आजकल तो जैसे ही जन्म लेता है बच्चा, और कभी कभी तो बीमारियां उसके साथ ही चली आती हैं। पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आजकल तो होने लगी हैं। खैर, यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, और इसमें हैं आलू के पराठे, उनको दे दिए हैं मैंने, चटनी रख दी है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सारे कपड़े वगैरह तय सही करने, जो भी बेडशीट वगैरह है। आज आध्या को भी स्कूल नहीं भेजा है, पता है क्यों? क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर उसको भेज दिया तो उसका पेट अगर स्कूल में भी दर्द होने लगा तो फिर मुझे ही भाग कर जाना पड़ेगा दक्ष को लेकर। और आजकल मेरे पैर में चोट बहुत गहरी सी एक लगी हुई है, मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ था, कैसे, क्या सब चीज़ें शेयर करूंगी। फ़िलहाल तो अभी मैं बेड ठीक कर रही हूं, और बहुत सारे लोगों ने, मैंने जो कुर्ता पहना हुआ है, मतलब ये पूरा कुर्ता सेट है, तो उसके बारे में पूछा। ये जो कुर्ता सेट है, आज मैंने सेट नहीं पहना है, इसका दुपट्टा और पैंट नहीं पहना है। आज मैंने इसको जैगिंग के साथ में पहन लिया है, मल्टी कलर की जैगिंग, ये भी ठीक लग रहा है, कम्फर्ट है ये जैगिंग इसलिए। तो ये ना मैंने मीशो से लिया है, और आप लोग हर बार मुझसे पूछते हो, तो अभी मेरे पास इसका कोड वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन मैं देखूंगी जहाँ से ऑर्डर लगाया था, मतलब वो अगर ऑर्डर नंबर आईडी ढूंढ के मैं पता करूंगी, और उसके बाद आप लोगों को नंबर दूंगी। फ़िलहाल ये इसकी बात करूँ तो ये है बहुत अच्छा, प्योर कॉटन का है, बहुत कम्फर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा। बस आज मैं इस रूम में झाड़ू अभी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आज सुबह नहीं लगा पाई थी, जब मेरे हस्बैंड जाते हैं पूरे घर में तो लग जाती है, सुबह इसलिए लगी थी कि बच्चे सोते रहते हैं, फिर डिस्टर्ब करने का मन नहीं करता है, नहीं तो जग जाएंगे तो फिर मेरा ही काम है ना वो बढ़ जाएगा, मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी। और बस यहाँ है शूज़ रैक, रैक नहीं बोलेंगे, शूज स्टैंड है मेरे पास। वैसे हमारे हिसाब से आपको रैक ही लेनी चाहिए, शूज़ स्टैंड में शूज़ गंदे बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन ठीक है, किराए घर में सब कुछ चल रहा है, अभी अपना घर होगा तब सब देखेंगे क्या क्या करना है। अच्छा, इतना प्यार, हाँ इतना प्यार, नहा चुका है मेरा बाबू, बाल बाल भी खींच लिए, बच्चू मेरा कितना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा, कपड़े इतने सारे, हाँ अभी तय लगाने हैं मुझको, लाइट जला दू, पंखा खोल दू, बहुत गर्मी हो रही है, अब सही है, लो ताला उठा लिया। अभी मैं इसको नहला कर लाई हूँ, कल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, कल मैं बहुत खुश थी और बहुत अच्छे से व्लॉग कर रही थी, लेकिन मैं कर ही नहीं पाई उसे कंटिन्यू। अभी दक्ष को नहला कर लाई हूँ, ये कल के कपड़े हैं जो मुझे तय लगाने अभी यहाँ रखने हैं। कल मैंने ना बहुत सारे काम मेरे ना छूट गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, अचानक से बिल्लू हो गया था मेरा, और मेरा अक्सर हो जाता है, तो उसमें मैं क्या भी बताऊं। और सर बताऊं कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जैसा जो कुछ भी है, मतलब एटमॉस्फेयर हर एक चीज़ को लेकर, तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, कभी सोशल मीडिया पे ही देख लेते हैं हम लोग, अब तो सब लोग सोशल मीडिया पे ही देख लेता है कि अच्छा खासा इंसान उस साल ये हो गया, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, अब इसके साथ एकदम अटैक पड़ गया, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हैं। तो सर बताऊँ, आजकल की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसको क्या हो जाए। मेरी हार्ट बीट देख लो अभी भी बढ़ रही है थोड़ी सी, जरा सा भी बोलने लगो ना तो बस बहुत तेज़ हार्ट बीट बढ़ जाती है,
सो यही है, बीपी बहुत जल्दी लो हो जाता है मेरा, और इसी वजह से मैं कल व्लॉग नहीं बना पाई पूरा। अब ये देखो दक्षु आराध्या का पेट दर्द हो रहा था, इसलिए आध्या को स्कूल नहीं भेजा। अभी बिल्कुल ठीक है, उसको पेट दर्द सब सही है, लेकिन फिर मुझे लगा था स्कूल में कहीं ना रोने लगे, इसलिए आध्या आजा लग गई, आजा देख कर आया कर, आजा मेरे पास आओ। ये रही आध्या, नमस्ते करो चलो, हाथ जोड़ के कर दे नमस्ते। तो वैसे तो कल का मेरा व्लॉग आज में ही कंटिन्यू हो रहा है, और कल तीसरा दिन था नवरात्रि का, आज चौथा दिन है। ये आंखें कैसे कर रही हो शरारती? तो बस अभी कपड़े तय लगाऊंगी, दख को लेकर आई हूँ, हो सकता है थोड़ी देर में अभी सो जाए, टाइम 11 बज गए हैं, है ना, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, थोड़ी सो जाओ। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और मुझे बनाना है बनाना शेक। आजकल ना रोज़ बनाना शेक बना के रख दे रही हूँ इनके लिए, क्योंकि ये दूध तो लेते नहीं है, और इनकी हड्डी ना मजबूती नहीं हो रही है, और कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, दूध पनीर दही कुछ तो लेना चाहिए, ये कुछ भी नहीं लेते हैं। तो मैंने ये आइडिया निकाला है कि बनाना शेक इनको पसंद है, सादा दूध पसंद नहीं है, तो मैं इस तरीके बना के रखा करूँगी, स्कूल से आया करेंगे तो ले लिया करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर बनाना भी जो है वो भी ख़राब ही होने लगे, मतलब दो दिन भी बनाना सही से चल नहीं पा रहे हैं, गल जाते हैं बहुत जल्दी। तो मैंने देखो थोड़े से हटा दिए हैं, और बाकी के मैंने पीस लिए हैं इसमें, और थोड़ी चीनी और डालूंगी, क्योंकि चीनी डाली ही नहीं थी, थोड़ी चीनी डाल दो ना तो और अच्छा टेस्ट आ जाता है। अनाध्या को भी पीना है तो यहाँ पे दूध बढ़ा दूंगी, पहले मैं कम ही दूध डाल के इसको मिक्सी में चलाती हूँ, उससे ये रहता है कि फिर अच्छे से जाता है, नहीं तो फिर होता नहीं है। अब मेरी मिक्सी भी बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन ठीक है काम तो चल ही रहा है। तो बस ग्लास में रख के, और आध्या को छोटी ग्लास में दे दूँगी, और दोनों ग्लास रख दूँगी फ्रिज में। दख को नहीं पसंद आता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, तो मैं अपने लिए और इनके लिए रख दी हूँ। और आज मुझे मिर्च फ्राई करनी है, तो ये मोटी वाली जो मिर्च होती है ना, उनको मैं डंठल उनकी निकालूंगी, उसके बाद इनको बीच से चीरा लगाकर इसमें मसाला भरूंगी। मसाला जो होता है वो है धनिया पाउडर, नमक और आमचूर पाउडर, इन तीनों चीज़ों को मिला लेंगे। क्वांटिटी अच्छी खासी है, जैसी मिर्ची है उसी हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाना घटाना होता है, तो वह इसमें फिल करना है। बहुत टाइम लगा था आप लोगों को, तो बहुत जल्दी जल्दी दिखा दे रही हूँ मैं, लेकिन एक एक करके भरना है, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम ले गया था ये। तो बस उसके बाद कढ़ाई वढ़ाई रखी, और उसमें तेल डाल दिया, थोड़ा सा सरसों का हींग डाला, और इसको फ्राई कर लिया, बन के हमारी मिर्ची थोड़ी देर में तैयार हो गई थी। और बस उसके बाद थोड़ी देर में घंटी बजी, और बाहर नीचे गए हम, और मेरा एक पार्सल आया हुआ था, एक्चुअली राशन आया हुआ है इसमें, एक ना कल ही आ चुका था, जो कि मैंने थोड़ा बहुत आपको शायद दिखाया था, बाकी का आज आ गया है, तो मैं निकाल रही हूँ। तो देखिए इसमें डायपर भी इन्होंने मंगा दिया, एक पूरा पैकेट। सर्दियाँ शुरू हो रही है ना, डायपर इसको लगेगा दख को, वैसे तो मैं पहनाती नहीं हूँ दिन में, एक रात को ज़रूर लगता है। इतने बड़े बॉक्स में चीज़ें देखना कितनी कम निकलेंगी, ये बिल है। मेरे फेवरेट बिस्किट आए थे, और इसमें है बर्तन धुलने वाला साबुन, कपड़ा धुलने वाला साबुन, ये एक सूजी का पैकेट, एक ये बेसन मैदे का पैकेट, ये बेसन का नहीं पोहे का पैकेट, और एक ये हैं तीन पैकेट इनकी हैं आध्या की चीज मैक्रोनी। और बस हम की चाय के साथ में मैंने लैया फ्राई की है, ये भी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मैं भी खा रही थी, दक्ष को भी बहुत पसंद है। तो बस ये लैया फ्राई कर ली, चाय पी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अभी मार्केट गए थे, वहाँ से भी कुछ सामान लेकर आए हैं, तो ये मखाने हैं, ये दलिया है, और ये है नमकीन सेवैयाँ, जो कि भूल गए थे ऑनलाइन ऑर्डर लगाना, तो इसमें मंगाया है। एंड ये दाल तो लोकल मार्केट से ही हम लोग लेते हैं, क्योंकि स्वाद हमको वहीं का लगता है। ये उड़द की दाल है, और ये है इसमें अजवाइन ख़त्म हो रही थी, ये सारे पैकेट उठा उठा के मुझे दक्ष दे रहा है। और ये साबूदाना ये भी ख़त्म हो गया था, तो चलो मंगा लेते हैं, बनाएंगे खिचड़ी या बरा। और ये मकरा राई हमारे यहाँ जो महीन वही राई होती है ना सरसों, वही उसी को मकरा राई बोलते हैं। मूँगफली के दाने ख़त्म हो रहे थे, काली मिर्च नहीं थी तो उसका पाउडर बनाएंगे। तो बस ये सारा सामान दख उठाकर दे रहा था मुझे। एंड ये सब्जियाँ आलू और टमाटर गोभी कद्दू, तो जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना वैसे वैसे वो भी फिंगर रख रहा है। धनिया कुछ ज़्यादा ही ले आए थे, बोले तुमको बहुत लगता ना धनिया, तो उन्होंने ठीक किया, चटनी वगैरह बना के रखेंगे। ये गुस्सा हो रहा कि मुझे भी करने दो। सो बस इसी के साथ में हम इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, ऐसे ही जुड़े रहिएगा मेरे व्लॉग लाइव वीडियो देखने के लिए, और शेयर करिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में।
तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।